शांति। हमारी पहली प्रायोरिटी परमात्मा की होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर परमात्मा का आना चाहिए। अब परमात्मा है कौन? वैसे तो दुनिया में परमात्मा एक कहा गया है, गॉड इज वन। लेकिन देवी देवताएं का 33 करोड़ का गायन है। अब परमात्मा और देवी देवताओं में क्या अंतर है, अब इसको समझते हैं। परमात्मा उसे कहेंगे जिसको सभी धर्म की आत्माएं स्वीकार करें। जैसे हिंदू में ज्योति बिंदु को परमात्मा माना गया है, धर्म में उसका ही यादगार शिवलिंग के रूप में है। मुस्लिम लोग वो भी कहते हैं कि अल्लाह नूर है, नूर यानी लाइट। और क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं गॉड इज लाइट। और गुरु नानक भी कहते हैं एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, यानी इन सभी लोगों ने लाइट को ही परमात्मा माना है। और परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वज्ञ हो, जो सब कुछ जानता हो, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हो। और परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वोपरि हो, जो सबसे ऊंचा हो। परमात्मा को जानने के लिए उसके स्वरूप को जानना अति आवश्यक है। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। वह कहाँ रहते हैं? वो परम धाम में रहते हैं। वो उनका कर्तव्य क्या है? उनका कर्तव्य है नई सृष्टि की रचना करना, पुराने का विनाश कर नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। और देवी देवताओं के बारे में है, ये सत्युग की रचना है, ये दिव्य गुणों वाली आत्माएं हैं। जैसे सत्युग में दिव्य गुणों से भरपूर आत्माएं होती हैं, वैसे जब कलयुग आता है तो वो आत्माएं तमोगुणी बन जाती हैं। तो परमात्मा को याद करना बहुत जरूरी है। आप लोग भी परमात्मा को याद कीजिए। ओम शांति।